भाई ये नेकोबार पिजन है, ये नेकोबार आइलैंड से बिलोंग करता है और बाद का एक मैट्रा आइलैंड के नाम से भी एक प्लेस है, ये वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ओके जी, माशाल्लाह से रौनकें लगी हुई हैं। ये क्या है? ये कुबरे हैं वाइट वाले और इनके अंदर जो ब्राउन का है, ये वही है जी, ब्राउन विंग के ये पेयर है। ब्राउन देखे, ये नीचे भी खेल रहे हैं, ये जमीन पे बैठे हुए हैं। ये वैसा ग्राउंड पे रहते हैं? नहीं, ग्राउंड में नहीं आते, इंटर होती होती है डॉग की। जितनी भी डॉग है ना, गर्मियों में बहुत अच्छी ब्रीड करती है। कबूतर सर देता है 2 अंडे, इसी तरह ये भी 2-2 अंडे देती हैं। आप इसको चाहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट, इनका नाम है एमरल्ड डव। अच्छा जी, आज क्या सीन है कि आज आप लोगों को ये डव, बहुत सारी ब्रीड, बहुत सारी स्पीशीज जो कि आप लोगों ने पहले नहीं देखी होगी, वो दिखाएंगे। एमरल्ड से शुरू करते हैं, फिर खुरम भाई की तरफ चलेंगे और पूछेंगे कि किस तरह ब्रीड करती हैं, साल में कितनी बार ब्रीड करती हैं, कितने बच्चे निकालती हैं, खाने में क्या देते हैं, इनको पीने में क्या देते हैं। तो यहाँ पर पहले आप एक एमरल्ड डव का शौक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, इसके कलर्स चेक करें, खुदा की कुदरत चेक करें, इसके कलर्स कितने प्यारे हैं। और ये मेरा ख्याल है फ्लाइंग कर करके थक गई है। साथ ही साथ खुरम भाई भी हमें नजर आ रहे हैं। सामने खुरम भाई, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। खुरम भाई, कौन कौन सी डव्स हैं यहाँ पे आपके पास? मेरे पास है ये एमरल्ड डव्स हैं जो अभी आप दिखा रहे हैं, उसके बाद आगे हम दिखाएंगे ब्राउन विंग्स हैं। और एक सेकंड, पहले हम एमरल्ड के बारे में बात कर लें, ये कहाँ पाई जाती है? ये इंडियन साउथ जो तमिल है वहाँ से ये डव है, तमिलनाडु। जी जी, वहाँ से आई हुई है। तो इनकी तो फिल्में बड़ी अच्छी होंगी ना? जी जी जी। ओके, ये कितनी उम्र होती है इनकी, लाइफ लॉन्ग क्या होता है, कुछ आइडिया? इनका यही है, जैसे डव की एक उम्र होती है 3-4 साल, 5 साल, इतनी देर तो आराम से गुजार लेती है। ब्रीडिंग सीजन कौन सा एमरल्ड डव का? गर्मी ही होती है डव की, जितनी भी डव है ना गर्मियों में बहुत अच्छी ब्रीड करती है। ठीक है, ये एक टाइम पे कितने अंडे देती हैं? जैसे कबूतर सर देता है 2 अंडे, इसी तरह ये भी 2-2 अंडे देती हैं। आप इसको चाहे फॉस्टर करिए तो इससे 12 बच्चे ले लें, 20 बच्चे ले लें, वो आप पर होता मतलब है। मतलब ये हर महीने अंडे देगी? जी जी, अंडे उठाते जाएंगे तो फिर इसमें नेक्स्ट ले कर देना, खुराक अच्छी रखें। मगर मेरे हिसाब से ये ज्यादा थी, आप 10-12 बच्चे ले लें बहुत होते। ठीक है, मतलब आप अंडे उठाते जाए इसके नीचे बच्चे पाल लीजिए। जी जी, इसके फॉस्टर कर देंगे, इसके नीचे पालेंगे तो फिर भी आपको ये 7-8 बच्चे दे देगी। अगली डव कौन सी दिखाएंगे आप? मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउन विंग भी। अब आपका भाई आपको दिखाने लगा नेकोबार डव, नाम भी डिफरेंट है और मेरा ख्याल है कि कुछ 25% लोगों ने देखी होगी और 75% लोगों ने नहीं देखी होगी, तो ये दिखाते हैं अब आपको। अच्छा खुरम भाई, ये क्या अजीब सी चीज है, आदिवासी वाले कपड़े लग रहे हैं, ये कबूतर है क्या? ये असल भाई ये नेकोबार पिजन है, ये नेकोबार आइलैंड से बिलोंग करता है और बाद का एक मैट्रा आइलैंड के नाम से भी एक प्लेस है, ये वहाँ पर भी पाए जाते हैं। जी जी, खुरम भाई इनकी डाइट क्या है? इनकी डाइट यही है जैसे आम पिजन होती हैं, मैं तो इसको अच्छा दाना डालता हूँ, कबूतर दाना डालते हैं आप। कबूतर दाना? कबूतर दाने के अंदर मुख्तलिफ चीजें मिलाएं ना आप, जैसे तोते की आप सूरजमुखी मिलाते हैं, चने मिलाते हैं, मुख्तलिफ दालें होती हैं, इस तरह की चीज़ें आप इनको ऑफर करेंगे तो ये खाते हैं, बिल्कुल सही रहते हैं उससे। ठीक है जी जी। और जो वॉर्म्स वगैरह भी लेती हैं ये? नहीं, वॉर्म्स तो नहीं मैं इनको देता, डब तो नहीं मैं देता, वो आप जैसे ग्राउंड पर हैं उनको दें, फिंचिस को दें, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। सालाना कितनी ब्रीड देती हैं ये? सालाना ये कम अज़ कम जो उस तरह ना 2 अंडे देती है, पर मेरे पास जो उनकी ये डब है इसके साथ एक नर और 2 मादियाँ हैं, ये 5-5 अंडे ले करती हैं जी। 5-5 अंडे माशाल्लाह। मैं एग को उठा लेता हूँ ना, मतलब एग इसके नीचे नहीं पहुँच करता, एग उठाता हूँ, कबूतर की कर देता हूँ। कबूतर की तरह अंडे देती हैं या फिर ये? नहीं नहीं, इसका सीजन है हसन भाई, ये देती है कोई बड़ा रेयर बर्ड है ना, तो ये कम अंडे देता है। ये सीजन कौन सा इसका? इसका अभी आगे का शुरू हो जाएगा, जैसे सीजन का सीजन शुरू होता है फरवरी से आगे, इनका भी सीजन स्टार्ट हो जाना। चले ठीक हो गया, अब क्या दिखा रहे हैं आप? जी मैं आपको डव दिखाऊंगा, ऑप्टिकल दिखाता हूँ। ऑप्टिकल मैं आपको ऑप्टिकल डव दिखाऊंगा जो मैंने खुली छोड़ी हुई है फ्लाइंग में। ऑप्टिकल है, आप इधर ही रुके, मैं दिखाता हूँ इनके बारे में, आप हिस्ट्री बताएंगे। ये ऑप्टिकल डव है और ये बहुत अच्छी है और हड्डी भी बहुत है। हड्डी मतलब? हड्डी मतलब कि इसको मौसम का कोई असर नहीं होता, गर्मी सर्दी जल्दी मरती नहीं है जी। बाकी डब तो बड़ी नाजुक हैं, मजाक उड़वा देती हैं ये, यकीन माने मेरी बहुत सारी जाया हो गई हैं। ये बहुत हार्डी है। ठीक है, ये हार्डी है, नेकोबार पिजन बहुत हार्डी है। ठीक है, कॉमन डव दिखा के फिर आगे चलते हैं। इसके अलावा और कोई यूनिक डव है? ब्राउन विंग्स है मेरे पास। ब्राउन विंग्स कहाँ पे हैं? मैं आपको दिखाता हूँ, ब्राउन विंग्स भी देखते हैं। हाँ जी, ये पैरट्स चेक करें। अच्छा ये मिल जाएंगे शौक के लिए? येलो रिंगनेक है, सब के सब ब्रीडर है, सब की हिस्ट्री है। आपके भाई यानी कि येलो रिंगनेक भी मिल जाएगा, ग्रे पैरेट भी मिल जाएगा, ब्रीडर मतलब पैरेट्स के अंदर सारी म्यूटेशंस मिल जाएगी। इस तरफ होकर चले, ब्राउन विंग इस तरफ है,
अच्छा इसके बारे में बताएं, ये क्या है? ये वो ये ब्राउन विंग के ये पेयर है, ये ब्राउन देखें, ये नीचे भी फैले हैं, ये जमीन पे बैठे हुए हैं, ये ज्यादा ग्राउंड पे रहते हैं? नहीं, ग्राउंड में अंदर हो गए ना, तो देखते हैं सूरज में आते हैं ना, तो सूरज में बहुत अच्छे शाइन करते हैं, इसी वजह से ब्राउन पे इनका ब्रीडिंग गर्मियों का ही है। और इसी तरह कम अज कम अगर हम देखें ना कि मतलब एस्टिमेटेड आप पूछना चाहते हैं कि कितने बच्चे, 6 बच्चे 8 बच्चे मेरे हिसाब से तो इनफ है। मैं इसके अंदर मेल फीमेल बता सकता हूँ कि जिसके पर चमक रहे हैं वो मेल है? नहीं नहीं, इसमें वो हेड पे पता चलता है, हेड पे क्रीम कलर था, वो देखें उधर देखें, वो मेल है, ये फीमेल है ऊपर, ये फीमेल है ना, इसके पर यहाँ के बीच में चमक नहीं रहे, इसके जो हेड है ना, हेड के ऊपर एक स्लिप सी है, वो स्लिप ऑरेंज की, ये फीमेल है ना, ये फीमेल है ना, हाँ जी ये फीमेल है, इधर मेल होगा, इसके स्लिप अभी आ रही है, ये उसी के बच्चे हैं। सही सही सही, तो ये शॉप के लिए मिल जाएंगे? जी जी क्यों नहीं मिलेगा। क्या नाम है इनका? ब्राउन विंग। ब्राउन विंग। और ये टोटल साल के कितने एवरेज एग्स दे रहे हैं? ये 6 दे देते हैं 6। और अगर हम उठा लेते हैं अंडे? फिर ज्यादा कर देंगे, फिर ज्यादती वाली बात है, हर महीने देंगे अंडे। सही है, गर्मियों में ठीक है। ओके जी, माशाल्लाह से रौनकें लगी हुई है। ये क्या है? ये कुबरे हैं व्हाइट वाले, और इनके अंदर जो ब्राउन का है, इसका भी जो स्पेसिफिक का नाम है पर मुझे अभी याद नहीं है, मैं क्वार्टर के लिए इस्तेमाल करता। ये लोकल है कि कोई अच्छी वाली चीज है? ये जब आई थी पाकिस्तान में तो बड़ी महंगी थी, आजकल जरा सस्ती है, 2000-2500 का 1800 का इसका पेयर मिल जाता। ये कहाँ से आई थी पाकिस्तान में? ये बाहर से इम्पोर्ट हुई थी जब ये। अच्छा, ये जो ब्राउन है इसकी नेक के ऊपर एक अलग ही शेड आ रहा है, मतलब जो हम देखते हैं वो नॉर्मली ऐसी होती है, वो इस तरह की नहीं है, इसका नाम है वही बता रहा हूँ, ये अच्छी वाली है, और मेरे देह में नहीं, इस पर मेरा इतना ध्यान नहीं है, बस फॉस्टरिंग के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं। कितने अंडे फॉस्टर हो जाते हैं इसके? दो अंडे इजीली फॉस्टर हो जाते हैं। अभी एक कर सकते हैं आप? किसका करते हैं? कबूतर का करते हैं? कबूतर का नहीं मैं करता, मैं तो डव से ही करता हूँ जी। ये बच्चा निकाल के पाल लेगी जी, जी। और ये इसको सर्दी से कोई प्रॉब्लम है? सर्दी में बस इसी तरह ना, जैसे बाकी डव है थोड़ा सा। ये उनसे हार्ड है या नॉर्मल है? बस ना हार्ड है ना नॉर्मल है, बस चल जाता है काम। ऑप्टिकल डव जो आपके पास है वो आपने ओपन छोड़ी हुई है, क्या वजह? हम दिखा नहीं पा रहे, वो उड़ जाती है, आपके काम नहीं है, हम देखें जरा जाके जी जी क्यों नहीं आए, कवर करने की कोशिश करते हैं, नजर आती है तो वहां से ऑप्टिकल डव को उड़ाने लगे हैं, अब यहाँ पे आएंगी तो आप लोग देख लेंगे, बहुत तेज है यार ये, बहुत तेज है वो माशाल्लाह। अब डव इतनी सारी दिखा दी, कबूतर कैसे हम लोग छोड़ दें वो भी दिखाएंगे आपको। अब क्या है मैं आपको रॉयल फैन टैडी प्योरेस्ट फॉर्म में ना आपको शो करवाता हूँ। रॉयल फैन? जी जी रॉयल फैन टैडी है ये। रॉयल फैन टैडी मतलब ये एक ना नस्ल है जो रॉयल फैन जैसे पंखे नहीं है गिरते हैं, ये उनके इमरान साहब हैं उन्होंने बनाई है। अच्छा, ये इमरान साहब के कबूतर हैं, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में, उनकी कड़ियां भी पड़ी हुई हैं। वो जो हमने कबूतरों की वीडियो दिखाई थी ये वो नहीं है? नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये रॉयल फैन टैडी है। तो ये आपने अपने लिए साइड पे रखे, वो भाई के थे? जी जी वो भाई के थे। ये मिल सकते हैं वो नहीं मिल सकते? ये क्या उड़ रहा है ऊपर? ये भी इन्हीं का है। एक अच्छा बच्चा है, वही मुझे लगा जीपो की थी। मैंने बाहर वो उसको निकाल दिया था जी। सेटअप कहाँ पे है? सेटअप मेरा है यहाँ पे फिरोजपुर रोड पे, मेरा 0321-52-13-727। कितने बजे से कितने बजे तक आपका फॉर्म विजिट हो सकता है सर? आप 11 बजे के बाद कॉल करके टाइमिंग कर सकते हैं, और फिर फर्दर मैं फोन पे गाइड कर सकता हूँ इस टाइम आपको मिल सकता हूँ कि नहीं मिल सकता। बेहतरीन हो गया भाई, बहुत मजा आया जी आपसे मिलकर। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।